जी बेटा, अब बेटा देखिए, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 7 पेज जो है बेटा मेरे पास 155 पे है। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी। ओके, में बेसिकली उन्होंने क्या बताया है बेटा, जो आपने याद होगा 9th में हम आपको एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स बताते थे, है ना। अगर रिकॉल करें, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक्स कॉमा वाई, हम इसको अब्सिस्सा और इसको हम कोऑर्डिनेट के साथ रिप्रेजेंट करते थे, और इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट पॉइंट हम कहते थे ना। ये सब आपने 9th में ये चीजें जो है पढ़ी होंगी। तो बेसिकली फिर यहाँ हम ये भी कहते थे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट बोलते थे ना। और आपको पता है, जब इस पॉइंट को ढूंढना होता था, हम ओरिजिन से पहले एक्स डिस्टेंस फिर ऊपर को वाई, तो अपने आप ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई और वाई डैश। ओके बेटा, तो ये सारा सिस्टम बेटा हमारे लिए बहुत इजी होता है करना, ठीक है। तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं। हमने क्या स्टडी करना है, बेसिकली पॉइंट रिप्रेजेंट करना आप 9th में कर चुके हैं। अब दो पॉइंट्स हैं यहां से यहां, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना बेटा। तो वो किससे, किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम स्केल रख के थोड़ा मेजर कर सकते हैं। मान लो क्लास में है ना, मेरे पास सपोज ये मेरी क्लास की जो ना ग्राउंड है नीचे, अब एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इतना बड़ा स्केल तो क्लास में होता नहीं ना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक को ओरिजिन लेके, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, 1 1 1 1 मीटर का डिस्टेंस लगा लेंगे, है ना, एक ग्राफ सा रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उस दोनों बच्चों के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देखेंगे, वहां से दोनों के बीच में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बेटा, तो आज हम स्टडी करते हैं कि कैसे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। चलिए बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब वो पॉइंट्स कैसा लेना है आपको भी पता है कि वो बेसिकली पॉइंट हमारे पास जो है वो कैसा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे x1, y1 and x2, y2। सपोज मैंने इस पॉइंट को ए मार्क कर दिया, इस पॉइंट को बी मार्क कर दिया, अब दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बेसिकली अ फॉर्मूला। वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ए बी अंडर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर, ध्यान से देखना, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये कैसे बना, हाउ दिस जो है फॉर्मूला फॉर्म, लेट अस डिस्कस ऑन दैट। सपोज ये मेरे पास ग्राफ पेपर में एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, सपोज पॉइंट्स है मेरे पास, दिस इज x2 y2 और x1 y1। बेटा देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर पूरी ये प्लॉट कर देती हूँ, इधर से ये हॉरिजॉन्टल प्लॉट कर देती हूँ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री। अगर किसी मेथड से मेरे पास सिर्फ इतना डिस्टेंस आ जाए और
किसी मेथड से ये डिस्टेंस आ जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ए बी कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये बी सी कितना होगा? एनीबॉडी फ्रॉम यू हु इज एबल टू टेल मी कि ये बी सी कितना होगा? जल्दी जस्ट रेज योर हैंड, हु विल टेल मी बी सी का जो है वैल्यू कितनी हो सकती है? ये कितना कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कितना रिप्रेजेंट करता है? किसी को नहीं पता। वेरी नाइस, ये चीजें तो बेटा आप नाइन्थ में करके आए हैं। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा एक्स वन है, ये पूरा यहां तक ये एक्स वन है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, यानी मेरे पास यहां तक ये कितना है x2 है। तो बेटा अगर मैंने ये निकालना है पूरे में से ये माइनस कर दो, यानी x1 माइनस x2, यानी BC का जो डिस्टेंस है वो क्या निकला x1 माइनस x2। अब बात आई ऊपर की, ये पूरा पूरा मेरे पास हो गए, ये y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी ये डिस्टेंस y2 हो गई, ओके? ये कोऑर्डिनेट यहां पर बेसिकली ये x1 y1, जितना डिस्टेंस इधर है उतना इधर है, यानी ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया y1। और अगर मैंने AC निकालना है तो बेटा ये डिस्टेंस मेरे पास y2 माइनस वन। ये बात सबको समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यानी देखिए मेरे पास BC x1 माइनस x2 आ गया, AC y2 माइनस y1 आ गया ना बेटा। तो मैंने निकालनी है AB by Pythagoras theorem, AB square is equal to AC square plus BC square, okay? AC y2 minus y1 whole square, BC x1 minus x2 whole square। अब ये square उधर जाके क्या होगा? रूट होगा ना बेटा, स्केयर रूट बन जाएगा। अब अगर ये स्केयर रूट बनेगा तो ए बी इज प्लस माइनस होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। अब एक बात आपके दिमाग में आएगा, मैम आपने तो x2 माइनस x1 लिखा, यहां पर x1 माइनस x2 आ रहा है, डजंट मैटर स्केयर है, स्केयर में अगर वो नेगेटिव भी आ रहा है तो उसने अपने आप इसको पॉजिटिव बना देना। तो इसीलिए हम एक सिमेट्री को बनाने के लिए हम यहाँ x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ये आपको पता चल गया मैंने ड्राइव कैसे किया है ना, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कहाँ से बना। अब मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, जैसे आप लोअर क्लासेस में आइडेंटिटीज करते थे ना, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए बी की वैल्यू जो मर्जी, ऐसे ही ये फॉर्मूला है। आप एरिया का फॉर्मूला करते थे एल इन टू बी, सेम इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, हमने वो पॉइंट ए बी ली, ओके क्लियर बेटा। तो अब हम यहां पर जो है क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको कुछ शॉर्टकट भी बताती हूँ, ठीक है? लेट अस डू एक्सरसाइज 7.1, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बेटा। देखिए उन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, मेरे पास टू पॉइंट है 2.3 एंड 4.1, मार्क दिस ए मार्क दिस बी, ओके? तो ए बी सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे, फिर वैल्यूज को क्लियर कट है बेटा, ये x1 y1 ये x2 y2, आप इसको x2 y2 ले लोगे, इसको x1 y1 ले लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बट हम नॉर्मली बच्चों को कहते हैं
ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए फर्स्ट पॉइंट, बी सेकेंड, ठीक है। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगा रही हूं, एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी दिस माइनस दिस, फोर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, फिर वाई टू माइनस वाई वन, वन माइनस थ्री होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, टू स्क्वायर प्लस, मेरे पास टू स्क्वायर, क्योंकि माइनस टू आया, माइनस टू का स्क्वायर नेगेटिव तो स्क्वायर में एलिमिनेट ही हो जाता है, तो दिस इज फोर प्लस फोर रूट एट, रूट एट को मैं टू रूट टू यूनिट्स लिख सकता, यूनिट जरूर लिखने यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस है वो मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में भी हो सकता, मुझे पता ही नहीं है, तो वी विल राइट जस्ट यूनिट्स। ओके बेटा, क्लियर। अब एक नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं, लेट अस डू द थर्ड पार्ट। ओके जी, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड पार्ट, ए बी माइनस ए माइनस बी, फिर वही मार्क इट एज ए, मार्क इट, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू मार्क ए एंड बी, आप इसको पी क्यू भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो अब ए बी डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ, हाँ जी फॉर्मूला लिखोगे हर स्टेप पे, तो ताकि रिकॉल हो जाए, जब क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं तो वैसे अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड जो है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है। तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस ए माइनस बी प्लस वाई टू माइनस वाई वन, माइनस बी माइनस बी। तो अब बेटा मेरे पास माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, तो बेटा मेरे पास ये क्या बन गया, फोर ए स्क्वायर फोर बी स्क्वायर, यहां स्क्वायर रूट आगे सॉल्व कर ही नहीं पा सकते, हाँ बस फोर कॉमन ले ले। देखिए क्योंकि एमसीक्यूज में जो प्रॉब्लम आती है एग्जैक्ट आंसर देखना पड़ता है, तो टू बार गया, ये यूनिट्स। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आप ना ये मत सोचिए कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेटा जो एमसीक्यूज भी बनती है ना वो यही से बनते हैं। अगर आपका एक बार हाथ बेसिक कॉन्सेप्ट पे सेट हो गया, देन वी विल टेल यू द शॉर्टकट्स टू डू द एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इनको करना ही करना है, तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। ओके बेटा, तो चलिए मेरे पास जो है वन पॉइंट उसने दिया हुआ है कि जीरो जीरो, और द अदर पॉइंट इज 36.50। अब उसने कहा कि दो मेरे पास जो पॉइंट्स है और इनके बीच में आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब बेटा देखिए एक शॉर्टकट बताने लगी हूं, मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे बताया हुआ है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, देखो। लेकिन अगर ओरिजिन आ जाए, यानी एक पॉइंट जीरो जीरो हो गया, यानी एक्स वन और वाई वन जीरो हो गया, तो क्लियर कट ये एक्स टू का स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर। जो बच्चा पहले फॉर्मूला लगाएगा उसमें करेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो आपको ओरिजिन के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर उसका अंडर रूट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधा ही ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओ भी अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर 15 स्क्वायर, जो भी आंसर आया उसके साथ यूनिट्स। ओके बेटा, उसने साथ में दिया हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, जो है डिस्कस इन सेशन 7.2। एक उसने एग्जांपल बताया हुआ है पीछे, और उसके कोऑर्डिनेट्स अगर बताए हुए हैं, तो वो कहते हैं क्या आप ऐसे ही दो टाउन्स के बीच में भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यस,
अब एग्जाम में कभी थोड़ा लिखा है सेक्शन 7.2, दे विल गिव यू अ केस स्टडी रिलेटेड विद दैट, कोई क्वेश्चन ऊपर दिया होगा उसके बारे में वो पूछ सकते। ओके बेटा चलिए, तो यहाँ आप यस लिखोगे। लेट अस डू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोलिनियर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। व्हाई वी आर लर्निंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक तो हो गया सिंपल, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, बस। एक नॉर्मली जब कंस्ट्रक्शन पर्पस होता है ना बेटा, तो हम घर बनाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि घर के आगे डिस्टेंस जो है ना, आपने इतनी फुट का, 2 फीट का, 3 फीट का छोड़ना है। तो दैट मीन्स सो दैट ऑल द हाउसेस आर इन द सेम लेन। सेम लेन का मतलब क्या है, वो कोलिनियर होने चाहिए। तो अगर मुझे हर घर के एक ओरिजिन फिक्स कर दूं, तो कोऑर्डिनेट पता चल जाए कि ये इस पोजीशन पे है, अगला इस पोजीशन पे है, अगला इस पोजीशन पे है, तो मैं चेक करना है कि क्या इन्होंने एग्जैक्ट डिस्टेंस छोड़ा है। अगर वो तीनों हाउसेस के कोऑर्डिनेट्स एक ही लाइन में होंगे, तो उन्होंने 100% आगे बेटा सेम ही डिस्टेंस छोड़ा, मुझे मैयर करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के लिए हमें कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे कि हमने विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ आई वांट टू चेक कि ए बी सी पॉइंट्स वो कोलिनियर कब होंगे, आप खुद सोचिए। ये एक लाइन पे है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये कोलिनियर कब होंगे? अगर जितना डिस्टेंस ये है प्लस जितना डिस्टेंस ये है वो ए सी के इक्वल हो जाए। ओके, आगे एक और कॉन्सेप्ट है कोलिनियर चेक करने के लिए। डेफिनेटली एमसीक्यू क्वेश्चन में वो इजी है, हम बच्चों को वही करवाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के, शॉर्टकट लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारा पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी तो एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं। तो ए बी सी कोलिनियर कब होंगे, व्हेन ए बी प्लस बी सी वो ए सी के इक्वल आ जाए। अब इसके एमसीक्यू टाइप कैसे हो सकती है, आपको कहा जाए ए बी सी आर कोलिनियर इफ ये इक्वल टू है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दें, लेस देन इक्वल टू डाल दें, नन ऑप्शन लिख दें। तो जिस बच्चे को ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर पाए। ओके बेटा, तो कोलिनियर के लिए कोई भी, अगर यहाँ पी क्यू आर है तो पी क्यू प्लस क्यू आर शुड बी इक्वल टू पी आर। एक्स वाई जेड है, एक्स वाई प्लस वाई जेड शुड बी इक्वल टू एक्स जेड। ओके बेटा क्लियर, चलू मैं आगे। चलिए बेटा लेट अस डू द कोलिनियर कॉन्सेप्ट, फर्स्टली हम क्वेश्चन थर्ड पे अप्लाई करके देखें, ठीक है। तो अप्लाई के लिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन थर्ड, डिटर्मिन इफ 1.5 2.3 -2, -11 आर कोलिनियर। मैं आपको क्लियर कट बता दूं बेटा, जब हमने ऐसे चेक करना है तो बेटा उसके लिए मेरे पास और मेथड भी है इजी, मतलब जिसमें कैलकुलेशंस कम हो, बट अभी हम जिस अकॉर्डिंगली मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करवा, ठीक है। तो मार्क इट ए बी सी, ए बी मेरे पास क्या है, दैट इज सीधा लगा रही हूँ 2 -1 1 स्क्वायर, 3 -5 -2 स्क्वायर बेटा। ओके, तो मेरे पास यहां पर क्या बन गया, 1 + 4 √5 यूनिट्स। नेक्स्ट बी सी, अब बी सी की डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, सेम फॉर्मूला लगाऊंगी
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू होल स्क्वायर। ओके बेटा, देन माइनस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो बेटा सॉल्व कीजिए इसको, 4 स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 14 स्क्वायर 196, 16 196 12 1 11 1 212। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। ओके जी, मैंने इसको ऐसे लिख ली। नाउ लेट अस डू द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, तो ए सी, हाँ जी, जब मैं ए सी करूंगी तो मेरे पास माइनस टू माइनस वन बेटा, तो कितना हो गया माइनस थ्री, वो नाइन बन गया। आफ्टर देन माइनस इलेवन माइनस फाइव, कितना हो गया बेटा माइनस सिक्सटीन। तो सिक्सटीन का स्क्वायर मेरे पास जो है 256 होता है। लेट अस चेक, है ना, तो मेरे पास नाइन सिक्स, यस 256। अब 256 में नाइन ऐड करूं तो मेरे पास फाइव सिक्स टू। अब क्लियर कट देखो, ये इरेशनल नंबर है रूट फाइव। टू वन टू के फैक्टर्स भी बना के हम देख लेते हैं, है ना, पूरा स्क्वायर रूट नहीं है ये। तो 100% दोनों को ऐड करूंगी तो एज इट इज मेरे पास रूट फाइव है। बट फिर भी अपने लिए एक बार हम फैक्टर्स बना के देख लेते हैं, कई बार आंसर मैच कर जाता है, हम छोड़ देते हैं। टू वन था, जीरो था, सिक्स था, टू फाइव थ्री मेरे पास, बस रूट फाइव देख लो, अगर आ रहा है तो आंसर मिनिमाइज हो जाता है, नहीं तो ऐसे कैसे ही बेटर रहेगा, 53 जाएगा ही नहीं कहीं। तो बेसिकली अगर मैं सॉल्व भी करती हूँ तो दो टू में से एक बाहर, अंदर तो मेरे पास हो गए क्या बच गया 53। यहाँ 53, यहाँ रूट फाइव, क्लियरली यहाँ पर बन रहा है कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो 100% ये कोलिनियर नहीं। ओके बेटा, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ आ गई बेटा। ये एक एप्लीकेशन थी डिस्टेंस फॉर्मूले की। अब अगली एप्लीकेशन देखते हैं और कहाँ यूज होता है। मेरे पास हुआ ट्रायंगल की टाइप बताने में, कोऑर्डिनेट की टाइप बताने में, कि मेरे पास होंगे ये कैसी टाइप है। बेसिकली वो स्क्वायर गए, वो रेक्टेंगल गए, वो रोम्बस है, तो वो स्टडी करेंगे। अब उसके लिए ध्यान से आप ये टेबल बना लीजिए। सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल डिटेक्ट करने के लिए, टाइप ऑफ ट्रायंगल, अब इसमें क्या है, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपने क्या प्रूफ करना है, थ्री साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, यानी अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए, आप ए बी निकालो, आप बी सी निकालो, आप सी ए निकालो, ये तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। हो गया ना एप्लीकेशन ऑफ मेरे पास जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम यू, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभिरूप, दिस इज नॉट योर क्लास बेटा, दिस इज 10th D। हाँ जी बेटा, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसी होती है, क्या प्रूफ करेंगे। अक्षय, अक्षय, यस मैम, यस मैम, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करनी है। मेरे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगी बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है अक्षय। यस मैम, आपके पास
बेटा एसोसियल स्ट्रैंगल की कंडीशन क्या होती है? मैम जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। वेरी गुड, तो फिर क्या प्रूफ करें? एबी और एसी इक्वल। वेरी गुड, एबी एसी के इक्वल हो जाए या एबी सीए के इक्वल हो जाए, कोई दो साइड्स, कोई दो साइड्स इक्वल कर दे तो वो एसोसियल्स हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। हाँ जी, यस, ओके दक्षिता, यस बेटा। मैम जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती तो फिर ए वेरी ए बी बी सी सी ए कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं आएगा तो फिर वो स्केलिन ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। हाँ, आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी ए निकालोगे, है ना, तीनों की लेंथ बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। अब यस दक्ष, यस दक्ष बेटा, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी, तो मैं क्या प्रूफ करूंगी? इफ आई वॉन्ट टू प्रूव कि यस द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो कैसे प्रूफ कर सकती हूँ? एनीबडी फ्रॉम यू? हाँ जी, यस चाहत, यस चाहत बेटा। मैम वाना एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी हम किन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर करें और वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए ना, तो 100% वो मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही हम टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं बेटा, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बट इसमें बच्चों कुछ गलतियां कर जाते हैं। आपको पता क्या करना है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, हम इस पूरे को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसे क्वाड्रिलेटर जिनकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, एक ऐसे क्वाड्रिलेटर जिनकी टू साइड्स इक्वल होती है। यानी पहले साइड्स ले लो, इफ फोर साइड्स आर इक्वल, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही दो कंडीशन हो सकती है। अगर चारों के चारों इक्वल आ गई तो बेटा इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, तो उसको चेक कैसे करना? फॉर यहां पर लिखिए इफ diagonals, diagonals are equal, then वो square होगा। If diagonals are unequal, then वो क्या होगा, rhombus होगा। यानी किसी चीज को rhombus प्रूव करने के लिए आप अकेली चार साइड इक्वेट इक्वल कर दो तो बेटा वो रोम्बस नहीं, वो स्केयर भी हो सकता है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए उसके डायगोनल 100% अनइक्वल होने चाहिए, लेकिन स्केयर में चेक करने के लिए उसके बेटा डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए और उसके चारों की चारों साइड भी इक्वल होने चाहिए। सेम इज द कंडीशन मेरे पास हो गया बेटा ऑपोजिट साइड्स, दो पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल है, तो बेटा इट मे बी, इट मे बी मेरे पास क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरलोग्राम भी हो सकता है। पैरलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब इफ डायगोनल्स इक्वल देन वो रेक्टेंगल होगा, देन रेक्टेंगल। इफ डायगोनल अनइक्वल देन
मेरे पास जो है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। ओके बेटा, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, बात समझ आई बेटा, सबको पता चल गया। यानी अगर मुझे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इट इज, सबसे पहले उनकी साइड्स निकालिए। अगर साइड्स चारों की चारों इक्वल हैं तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो स्क्वायर या रोम्बस आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर फटाफट डायगनल्स निकाल लो। अगर डायगनल्स मेरे पास जो है इक्वल है तो वो स्क्वायर, डायगनल्स इक्वल नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास रोम्बस। सेम इज द केस इन अदर व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। बट अगर डायगनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल बन गया, डायगनल अनइक्वल है तो वो पैरेललोग्राम बन गया, नथिंग एल्स। बात समझ आ गई बेटा। अब इसी पर बेस्ड बेटा आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ, आप ट्राई करना, हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे मंडे ऑन, ठीक है, क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ होमवर्क है, यस दक्ष, हाँ जी दक्ष। मैम जो ये सिलेबस आया मैम ये रैशनलाइज है बेटा, माइक के पास बोलिए प्लीज। मैम जो सिलेबस आया मैम जो डिलीट